हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स खरीदे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं। सो ये वो कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने नर्सरी से बाय किए हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे प्लांट्स के नेम बताती चलूंगी, जिससे कि आप लोगों को इनको बाय करने में आसानी हो अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो। एंड ऑल्सो इनके नाम मैं स्क्रीन पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पर ये जो प्लांट है इसका नाम केल है। बेसिकली ये प्लांट कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है। हम लोग जो घरों में पत्ता गोभी खाते हैं, ये भी कुछ उसी तरीके का होता है। एंड हम लोग इस प्लांट को खा भी सकते हैं, इसको सैलेड के साथ रॉ भी खाया जाता है एंड इसको कुक करके भी खाया जा सकता है। बट मैंने इसको नहीं खाया क्योंकि मुझे ये देखने में इतना प्रिटी लग रहा था कि मेरा इसको खाने का मन ही नहीं किया। ये भी केल की पर्पल कलर की एक वेराइटी है। ये केल दो ही कलर्स में आती है, एक पर्पल और एक वाइट। मुझे पर्सनली वाइट केल ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बट मैंने पर्पल भी इसलिए ले ली क्योंकि उससे कलर्स ऐड हो जाते हैं गार्डन में थोड़े। सो गाइज, इस प्लांट का नेम स्टॉक है। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, बट मैंने इसके दो ही कलर्स खरीदे थे। इसमें एक साथ कई सारे फ्लावर्स इकट्ठे आते हैं, इसमें भी इसीलिए इस प्लांट का नेम स्टॉक है। मुझे देखने में ये कुछ विनका की तरह लगता है एंड इसकी लीव्स भी थोड़ी थोड़ी विनका की तरह ही दिखती हैं। ये भी स्टॉक की वाइट कलर की वैरायटी है। मुझे ये भी वाइट वाला ज़्यादा प्रिटी लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये एक एनुअल प्लांट है, ये साल भर फ्लावरिंग करने के बाद मर जाएगा। सो गाइज, अगर आप लोगों को इस प्लांट का नेम पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इसका नेम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैंने पूछा था नर्सरी वाले भैया से, बट मैं भूल गई हूँ। ये प्लांट भी वहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स में था, मैंने एक ही कलर लिया है क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म होने वाला था। तो गाइज, नेक्स्ट नंबर पर ये मैंने डहेलिया का प्लांट लिया है। इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी तो मुझे कलर तो पता नहीं था, बट मैंने इसके चार प्लांट्स ख़रीदे हैं। मैंने जहाँ से इसे ख़रीदा था उन्होंने मुझे बताया था कि इन चारों के कलर्स अलग अलग हैं, बट इसमें जब फ्लावरिंग होगी तभी मुझे पता चलेगा कि इसमें कौन से कलर्स का फ्लावर आएगा। ये डहेलिया की देसी वैरायटी है, इसमें काफ़ी बड़ा फ्लावर आता है। वहाँ पर उनके पास जो लगा था उसमें एक प्लांट में बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर आया हुआ भी था। ये जो मैंने साइड में इमेज ऐड की है, ये फ्लावर उस नर्सरी में लगा हुआ था जहाँ से मैंने ये प्लांट्स खरीदे थे। इस प्लांट का नेम फाइकस है। इसको जनरली बॉन्जाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी लीव्स बहुत ही शाइनी होती हैं, इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रीन फाइकस है, इसकी कुछ वैरायटीज़ येलो कलर की लीव्स के साथ भी आती हैं। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शेफलेरा का प्लांट है। ये आप लोगों ने रोड साइड लगा हुआ है बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, इसको अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। ये मैंने जो लिया है ये ग्रीन कलर वाला शेफलेरा है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं। सो ये थे सारे प्लांट्स जो मैंने खरीदे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। एंड गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली ये सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। सो मैंने ये कुछ पॉट्स ख़रीदे थे, इनमें मैं इन प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। मैंने प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने की एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी प्लांटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।